वह मेरी अंदर जो मेरी स्वयं शक्ति है, मेरे शरीर को चलाने वाली है, वह परमात्मा, आत्मा मेरी आत्मा, परमात्मा वह परमात्मा उसी का अंश इस शरीर में आ गया। वह आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, गुरुदेव कहते दोनों तेरे अंदर है, इनके दर्शन मुझे कैसे होंगे। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है वह जिज्ञासु भक्त है, वह जिज्ञासा करता है। अब उसका मनोरथ अपने दुख कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न दूर करने का नहीं, भावना प्रदान है वह परमात्मा, वह भावना में विद्यमान है। तेरी क्या भावना है उसके अनुसार तुझे फल प्राप्त होता है। पहला आरत भक्त, दूसरा जिज्ञासु भक्त, आत्मा परमात्मा को जानने की इच्छा से उपासना करता है। फिर अर्थ की कामना से प्रयोजन सिद्ध करने वाला, अर्थ की कामना, अर्थ धन दौलत रुपया पैसा इसकी बढ़ोतरी हो जावे, अर्थ की कामना, महल माड़ियां इस कामना से वह भगवान का भक्त नाम जाप करता है, पूजन करता है, दान पुण्य सेवा पर हित प्रकार पीछे उसका उद्देश्य है अर्थ की कामना, वह अर्था अर्थी भक्त है। अब ये तीन प्रकार के हो गए, चौथा, चौथे को विवेक कहा, विवेकी मनुष्य, विवेकी भक्त। जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है, मेरी आत्मा का कल्याण होवे, मेरी आत्मा ब्रह्म धाम में प्रवेश करे, मेरी आत्मा श्री राम ब्रह्म को प्राप्त कर लेवे, मेरी आत्मा उस धाम में प्रवेश करे, उसकी मुझे प्राप्ति हो जावे, आत्म कल्याण, बार बार जन्म और मृत्यु से मैं रहित हो जाऊं। ऐसे साधक, ऐसा भक्त ज्ञानी भक्त कहा गया। अब जो चार प्रकार के भक्त हैं, जो ज्ञानी है, लाभ क्या क्या है? जो तो आर्त भक्त है, दुख रोग कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न को इस ध्येय को रख करके जाप कर रहा है, जाप वह भी कर रहा है, समय दे रहा है 24 घंटों में, वह इस कार्य के लिए समय निकाल रहा है, उसका मनोरथ केवल ये है, यह परमपिता परमात्मा उसके प्रारब्ध को उसके हिसाब से ही, जितना समय वह दुख का है कष्ट का है उसमें वह कमी करके, कम करके भोगना तो पड़ेगा, परंतु उसकी अवधि कम और प्रहार कम हो जाता है, लाभ तो होता ही है। दूसरा, जो उपासना करता है आत्मा परमात्मा की इच्छा को जानने के लिए, फिर धन दौलत की कामना के लिए, और फिर चौथा जो ज्ञानी भक्त केवल आत्म कल्याण के लिए अपना जाप पाठ करता है, वह कुछ नहीं मांगता।
अब ऐसे ज्ञानी भक्त को दंदा दे लेंदे थकपा, ऐसा भक्त को मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान हे अर्जुन भगवान कहते हैं मैं कर देता हूं। जो बच्चा पिता से मांग नहीं रहा उसका ध्यान माता पिता अधिक रखते हैं। इसी प्रकार अगर कोई ज्ञानी भक्त इस भाव से मेरी आत्मा का कल्याण हो, नाम का जाप करता है, भजन कीर्तन करता है, उसके दुख दर्द कष्ट तकलीफ मैं पहले से ही दूर कर देता हूं, लाभ देखना आप, लाभ देखना। चार प्रकार के भक्त, जो आत्म कल्याण की इच्छा से करता है, एक केवल पैसा मांग रहा है उसको पैसा मिल जाएगा, परंतु वह पैसा बिना कृपा का दुख कष्ट तकलीफ ये कष्टकारी हो जाएगा। अगर कृपा मान ली जावे कि हे भगवान मेरे ऊपर तू कृपा कर, मैं तेरे नाम का जाप करता हूं, अब कृपा में भगवान को उसके दुख दर्द स्वयं दूर करने होंगे, बाधा विघ्न नहीं आनी होगी, महल माड़ियां ये सब कुछ उसे प्राप्त हो जावेंगे। किस श्रेणी का भक्त बनना है? हे मानव, तुझे अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण करने के लिए जाप करना होगा। भक्ति करो भगवान की, भगवान की भक्ति करनी होगी। भक्ति करो भगवान की, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम, निष्काम भाव से भक्ति करो, निष्काम भाव की भक्ति क्या लाभ होगा? निश्चय से जो निष्काम भक्त होगा, केवल उसका उद्देश्य आत्मा और परमात्मा, अपनी आत्मा का कल्याण, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में स्थापित करने का भाव जो होगा, निश्चय से ऐसा निष्ठेवान अनन्य भक्त और कुछ भी नहीं मांगता। इन चारों में ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्यारा है। जो हमें प्यारा होता है उसके साथ नाप तोल समाप्त हो जाता है कि कितना दिया, कितना लिया। जिससे प्रेम होता है उसको मानव बिना तोल मोल के सब कुछ देता है। पुराणों में एक गाथा आती है, एक दूध बेचने वाली, आना आना वह पैसा लेकर के सबको बड़े नाप तोल करके वह दूध दिया करती, परंतु एक नौजवान जब सामने आता तो उसकी ओर निखारते हुए बिना उसका बर्तन लबालब भर देती। एक साधु ने पूछा, बाकियों के लिए तो एक छोटे छोटे पैसे के लिए तू झगड़ा करती है और इसको तू इस प्रकार से उसका लबोलब बर्तन भर देती है, वह बस बस करता रहता है कि और नहीं डालो, और जब तक उसका बाहर तक दूध नहीं छलकता तू उसमें डालती रहती है। साधु से कहा, महात्मा तू क्या जाने इस प्रेम की डोर को, जिससे प्रेम हो, हृदय जिसके ऊपर द्रवीभूत हो, उसके साथ कैसा नाप तोड़े। वह जो साधु बैठा हुआ यहां से ज्ञान ले लिया, मैं भगवान का नाम जाप करके बड़ा अभिमान करता हूं, तेरा इतना नाम जाप किया, तेरा इतना नाम जाप किया, जिससे प्रीति हो उससे साथ कैसा नाप तोल। भगवान ने कहा, जो मेरे साथ प्रीति
किसी विशेष पदार्थ के लिए नहीं करता। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, शव है। भगवान ने कहा ऐसा ज्ञानी मेरा आत्मा है, वह मेरे भीतर है, वह मेरे भीतर निवास करता है और मैं उसके भीतर उसके आराधन द्वारा वह अपने भीतर मुझे स्थापित किए हुए है। मैंने उसको अपने भीतर स्थापित कर लिया, एक हो जाते हैं आत्मा और परमात्मा, एक कर लिया। ऐसा ज्ञानी भक्त क्या करता है? गुरु की शरण में आकर याचना करता है, प्रार्थना करता है, विधि पूछता है और गुरु महाराज विधि बताते हैं। परमात्मा को पूजिए, घट में धरकर ध्यान, अपने हृदय में उसका ध्यान करके उसका पूजन करना। मन को मंदिर मानिए, तेरा मन मैला ना हो। मंदिर में मैलापन नहीं होता, गंदगी नहीं होती, वहां सब कुछ बड़ा स्वच्छ साफ करके रखा जाता है। अपने मन को तू मंदिर मान ले, कोई विषय वासनाओं का वह दुष्टता तेरे भीतर ना होवे, तू इसको मंदिर मान ले। किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला कलेश अपने मन में प्रवेश ना करना, वह मंदिर है भगवान का। मन को मंदिर मानिए, जो है परम महान, तेरा मन ही परम महान है, गुरुदेव ने कह दिया। जब तक अपने मन को उस आत्मा परमात्मा को एक करने के लिए नहीं लगाएगा, ये नहीं लगेगा। एक तू ये कर ले, वह ईश्वर, ईश्वर सुपालक जगत के, तेरे को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह तो जगत का पिता है, माता है, ईश सुपालक जगत के, निराकार हरि राम दिखाई नहीं देते, परंतु वह अपना कार्य प्रतिक्षण कर रहे हैं। प्रिय रूप अब उस